अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। अधिवक्ता ओंकार तोमर खुदकुशी प्रकरण में पुलिस ने वेट एंड वॉच की नीति अपना ली है। कुछ इस तरह भी कि आंदोलन की अवधि जितनी लंबी होगी उतना ही गहराया विवाद हल्का पड़ जाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए आज मेरठ के अधिवक्ताओं ने पहले सभा की, फिर जुलूस निकाला। आज वकीलों का सब्र टूटा तो वकीलों ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए बेगमपुर चौराहे पर गहरा बनाकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिससे भविष्य में ऐसी दुखद घटना ना हो और फिर वापसी कर ले। पुलिस की तैयारी जिस तरह की नजर आई उसे देखते हुए लग रहा था कि संभवत जाम होने पर पुलिस सख्ती बरते, लेकिन ना ही तो अधिवक्ताओं ने पुलिस को मौका दिया और ना ही अधिवक्ताओं ने ही ऐसा किया जिससे पुलिस हरकत में आती। बहरहाल अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी है। आपको याद दिला दें कि बीते 13 फरवरी को मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में ओंकार तोमर ने आत्महत्या के लिए भाजपा विधायक दिनेश खटीक व अन्य को जिम्मेदार ठहराया है। भारी दबाव के बाद पुलिस ने विधायक समेत 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। अब 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट में योगेंद्र व जोगेंद्र को भी नामजद किया गया था, जबकि ये एक ही व्यक्ति है। एक आरोपी संजय मोतला पुलिस दबिश से परेशान होकर खुदकुशी कर चुका है। वहीं भाजपा विधायक के बारे में पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ फिलहाल सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि ये सारी ही कार्यवाही सुसाइड नोट के आधार पर की जा रही है और सुसाइड नोट में भाजपा विधायक दिनेश खटीक को भी अधिवक्ता ओंकार तोमर ने आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है। इसके बाद नामजद आरोपी संजय मोतला के खुदकुशी कर लेने के बाद पुलिस की कार्यवाही लगभग रुक सी गई। हाँ, नामजद आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप में 2 लोग जरूर जेल भेज दिए गए। आइए जानते हैं क्या बता रही है हमारी सहयोगी शिवानी मांगमारी जो मौजूद है वकीलों द्वारा बनाए गए धरना स्थल कचहरी पर। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं firstbite.tv। तो जैसे कि आप सभी को पता है लगभग 15 दिन हो चुके हैं ओंकार तोमर की हत्या को। लगातार जो उनके वकील साथी जो है लगातार कचहरी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से मांग करने के लिए कि उनके परिवार को इंसाफ मिले, ओंकार तोमर को इंसाफ मिले, पर प्रशासन की ओर से जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी हम यहाँ मौजूद हैं कचहरी पर, जहाँ पर पूरे जो है वकील समर्थन पूरा यहाँ पर मौजूद है, पर उन्होंने जितने भी लोगों से हमने पूछना चाहा सब ने यही बोला कि हमें कोई भी प्रशासन की ओर से आश्वासन भी नहीं मिल रहा है और कोई भी प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। और कुछ ने ये भी लगातार बोला है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन और दिनेश खटीक की जो है मिलीभगत है, क्योंकि दिनेश खटीक का नाम जो है लगातार उसे दबाया जा रहा है गुनहगारों की लिस्ट से। तो कहीं ना कहीं हमें ये सुनने में आया है। इसी के साथ जैसे कि आप सभी को पता है 15 दिन से लगातार जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। इन्होंने धरना स्थल कचहरी में बनाया हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो पूरा यहाँ पर जो है लोकेशन दिखाए कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पूरा धरना प्रदर्शन स्थल बनाया हुआ है। यहाँ पर ये लगातार सुबह 11 बजे से लगातार 4 बजे तक जो है धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से करते हैं। और इसी के साथ हम बने रहेंगे आपके साथ इस न्यूज़ पर, हर एक अपडेट हम आपको देंगे। जाने के लिए देखते रहिए firstbite.tv। मैं अध्यक्ष मेरठ बार एसोसिएशन महावीर त्यागी। सही बात है, चूँकि अभी तक हम बड़े ही शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन शायद सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और इसी कारण अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध। यदि एक दो रोज के अंदर अंदर हमें कोई रिजल्ट उन्होंने नहीं दिया तो सोमवार को हमारी समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी पदाधिकारियों की एक सभा आयोजित मेरठ में की गई है सभागार में। हो सकता है मजबूरी में यदि तब तक रिजल्ट नहीं दिया तो कोई ना कोई कठोर कदम उठाने के लिए सरकार हमें मजबूर करेगी और उसके बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर होगा। सोमवार के दिन भी इसी प्रकरण को लेकर समूचा उत्तर प्रदेश का जुडिशियल वर्क पूरा पैरालाइज रहेगा। कोई भी अधिवक्ता पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा, कोई रजिस्ट्री नहीं होगी,
कोई कार्य नहीं होगा। मेरा नाम रेखा त्यागी एडवोकेट है। हम यहाँ ओमकार सिंह तोमर जी जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो हमारे सबके प्रिय भाई थे, एडवोकेट थे और अधिवक्ता परिषद से भी महामंत्री रहे हैं। हमें बहुत दुख है, ये जो धरना प्रदर्शन है आज मेरे नेतृत्व में ही है। सारी महिलाएं, हमारी बहनें इकट्ठी हैं, सविता त्यागी हैं और महिमा कौशिक जी हैं, पूजा चौधरी हैं, ममता तिवारी जी हैं हमारी, आइए तो ये हाँ नेतृत्व मेरे द्वारा किया जा रहा है। और आज हमने हमारे जो कुछ साथी सभी वकील अधिवक्ता जो हैं बेगमपुर पे हमने आज जाम किया है और हम ये चाहते हैं कि जो 13 एक्यूज्ड हैं उन्हें सभी को गिरफ्तार किया जाए और नहीं तो एसएसपी का पोस्टिंग करा दिया जाए, नया एसएसपी आए और फिर वो अपने नेतृत्व में अपनी टीम लगा करके काम करें। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।